पूजा। हे जान, अम्या। कहाँ तुम हो यार, जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। अरे I'm sorry जान, तुम्हारे बिना ही शुरू हो गई। अरे कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी किस बात की। थैंक यू। आज सुनो, वापस कब आ रही तुम? परसों। परसों कौन सी फ्लाइट से? आई 943 से। मुंबई फ्लाइट से जो वापस आती है। हाँ। और वापस कब जा रही हो? उसके दूसरे दिन। उसके दूसरे दिन, ओके। एक बात बोलो जान, ये तुम क्या लिखते रहते हो? अपने आप को क्या पायलट समझते हो? मेरे मिनट मिनट का हिसाब रखते हो क्या जान? बिजनेस में टेंशन बहुत है ना, इसलिए बिजी रहता हूँ। सब कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि जब तुम घर आओ तो अपना सारा काम धंधा निपट के मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूँ, ताकि हम लोग साथ साथ रह सके। पानी दो ना। मैम्बो, दो कप चाय लेकर आओ। चाय बनाना ऑमलेट खाने जितना आसान नहीं है, कितना मेहनत का काम है मालूम है? गैस इधर इधर, गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाके चाय बनती है। पूजा कर लेने से चाय नहीं बनती है। मैम्बो, पूजा पूजा की बातें मत किया करो, जाओ ले जाके चाय लेके आओ। चल जाने का नहीं, बैठा नहीं मैं। देखा तुमने कैची की तरह इसकी जुबान चलती है, कितनी बार कहा इससे छुटकारा पाओ, आखिर में तुम इसे काम से निकाल के नहीं देते। अरे उससे फायदा क्या होगा, उस बेचारे की तकलीफ ही है, उसे बोलना आता है बात करना नहीं आता। अब कल ही की बात है, वो तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा, कहता कितनी अच्छी लड़की है बेचारी। झूठ, वो मेरी जरा भी तारीफ नहीं करता। जब मैं पहली बार घर आई थी तो मेरे साथ मेहमानों की तरह पेश आ रहा था, और अब जैसे कि तुम पर मेहरबानी कर रहा हो। मेरी बात तो सुनो, वो तुम गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हारे अपने वो क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थक हार के बस्ता लेके आता है, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ, बाप, वो तो तुम्हारे बाप जैसा है, उसके अंदर तो ममता कूट कूट के भरी हुई है। अगर ऐसा है तो अपनी चाहत को बनियान में छुपा कर क्यों रखता है? वो हमारी तरह क्यों नहीं हो सकता जान? हमारी तरह कैसे हो सकता है वो? है, अरे वो साला बुड्ढा, एक पाँव खबर में एक पाँव केले के छिलके पे, मरने देना बुड्ढे को। है बुढ़ा किसको बोला रे? किसको बुढ़ा बोला तू? मेरे को बुढ़ा बोला? बुढ़ा किसको बोला तू? किसने बोला भाई तेरे को बुढ़ा? किसने बोला? मैं बहरा नहीं, तू मुझे बुढ़ा बोला। मुझे बुढ़ा बोला तूने? मुझे बोला? हाँ बोला। तो क्या करेगा, बुढ़े को बुढ़ा नहीं तो बच्चा बोलेगा क्या? ये पूजा की अगरबत्ती, बुढ़ा तू, बुढ़ा तेरा बाप। शट अप। कभी प्लेन गिरा देगी ये? बात कर ये बुढ़ा बोल। साइकिल पे बैठना आता नहीं है, प्लेन क्या हुआ? प्लीज अपनी आंख और कान बंद रखा कर, मैंने तो कितनी बार बोला, प्लीज। हाँ तो बोल यार, आंख बंद रखा कर, रखेंगे आंख बंद है भाई। चलो जाके पूजा मैडम का बैग लेके आओ। आंख बंद करके लाऊं? तो 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल के ले आओ। 5 सेकंड में बैग मिली तो ठीक है, नहीं तो जाएगी बिना बैग के। ज्यादा बोला मत, क्या करो बुड्ढे कहीं का। देखो कैसे छटका दिया मैंने उसे, चुपचाप बैग लाने चला गया। अम्बो जल्दी बैग लेके आओ। जान, I'll miss you a lot. पता नहीं क्यों एरोसिस हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा जान। फिलहाल जाओ, काम करना बहुत जरूरी है, ओके? गो 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 नाउ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा ज्यादा देर खड़ी मत रहना प्लेन में, ओके? बाय बाय। अरे किधर गई वो? मैक, हे मैक। ओ मैक, एक्सक्यूज मी। हे हे। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, 1 मिनट पहले ही आया, लेकिन वो 1 मिनट 100 साल के बराबर था। Come, let's go. एक मिनट बैग तो ले लो। ओके ओके। कम। लेट्स गो। ये चंपा आ रही है, चमेली जा रही है, बैंकॉक टेक ऑफ हो गया, सिंगापुर लैंड हो गया, मुंबई फ्लाइट होती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी इसी तरह यहाँ खड़ा रहता है, इसे और कोई काम नहीं है क्या? पता नहीं। तुमने इसे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है, ये तुमने क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हाथ के पीछे क्यों खड़ा है? अरे देवी, कभी कभी आदत होती है, कोई ऐसा खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फिर वो दिखाता क्यों नहीं कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है? मुझे देखना है। मैं नहीं दिखा सकता। हमको नहीं देखना तेरे पास क्या है, रखो अपने पास। लेट्स गो इन आवर रूम, आराम से बैठ के बातें बातें करते हैं। तुम डैंडी वैंडी चेंज वेंज कर लो। मेरी बात तो जब तक वो नहीं दिखाता कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं दिखाऊंगा तो तूफान आ जाएगा यहाँ पे। तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, देख के आऊंगी। देखना है ना तुम्हें? हाँ। नो, देखना है ना? हाँ। तुम्हें दिखाओ। दिखाओ। मेरी पतलून पीछे से फट गई है और मैंने अंदर कुछ नहीं बना। अभी कंप्लेन मत करना कि मैंने ऐसा क्यों दिखा। दिखाओ, दिखाओ, बस दिखाओ। लो, मुझे लगता है मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, ये तुम्हें बचाने के चक्कर में किसी दिन मेरी पतलून सचमुच फट जाएगी। Thank you.
क्या बना रहे हो? मुझे सैंडविच नहीं खाना, चलो मलाई कोफ्ता बनाओ। ये क्या है? तुम उसे जो चाहे नाम दे सकती हो, हम लोग उसे मटन कटलेट बोलते हैं। क्या? लेकिन किसके लिए? मैक तो वही खाता है जो मैं खाती हूँ। तो उससे पूछो। मैक। या जान। मैक, ये मटन कटलेट्स किसके लिए हैं? मटन कटलेट? क्यों बनाया इसने? लगता है अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ भी बनाता रहता है। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो उसे? You're right. मामो! किसको पूछ के तुमने मटन कटलेट बनाया? मैं पूछता हूँ, किसको पूछ के तुमने ये मटन कटलेट बनाया? तुम्हें नहीं मालूम कौन खा रहा था? मैक, तुम मटन खाते हो? मैंने कब मटन खाया? मैंने कब कहा तुमने खाया? फिर किसने खाया? उसने। किसने? याद दिलाऊं किसने? हाँ बोलो। सुबह सुबह मेरे को याद है। बोलना मत, मेरे को बता मैं सही हूँ कि नहीं। ये मेरा दोस्त शाम। कौन शाम? शाम सैम मेरा दोस्त है, अमेरिका से आया। कल रात को ही कभी आया? कल रात को नहीं, आज सुबह आया। बल्कि अरे अरे हाँ, आज सुबह आया। उसी ने कटलेट बनाया, उसी के लिए बनाया। सच्ची कसम से, यू डोंट बिलीव मी। अच्छा हुआ याद आ गया। अरे मैक, अरे भाई तेरे लिए ईमेल आया है। पागल हो जाओ। किसका ईमेल है? शाम का। वो कल अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका से आ रहा है? अभी तो तुमने कहा कि शाम नाश्ता कर रहा था। किसने कहा? हाँ मैंने कहा। लेकिन ये शाम वो शाम नहीं है। तो सुबह कौन आया था जो मटन कटलेट खा रहा था? वो अलग शाम है। जो कल आने वाला था अमेरिका से, वो मेरा दोस्त है शाम। तो ये शाम कौन है? तेरे को नहीं मालूम? ये ईमेल कौन लाया? ये वो शाम कौन है? मेरे पांच दोस्त है, पांच। पांचों का नाम शाम है। तू क्या पांचों को जानता है? पांचों दोस्त का नाम शाम है, ये सिर्फ इन्हीं को जानता है। पागल है, इसका अलग ही ट्रैक रहता है। अरे सफेद नाक, फिर नाक की तरफ फनफनाना शुरू कर दिया। बोलना मेरे को ईमेल मिला नहीं, और वैसे भी उस गद्दार से कौन बात करेगा? ए, वो तो चाहता तू उसे एयरपोर्ट लेने जाए। एयरपोर्ट मेरा कुत्ता जाएगा उसको लेने। कुत्ता कब पाल लिया? कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रहा है। देख वो तेरा बॉस है, तुझे जाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। फिर राजा हरिश्चंद्र की औलाद, एक झूठ नहीं बोल सकता भाई के लिए। तू भाई के लिए बोल सकता हूँ, दिल खोल के बोल सकता हूँ, खुशी से। बस होगी, बहुत खुशी होगी, इससे ज्यादा खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। बेटी मैक। हाँ? मेरी फ्लाइट की टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब वो सिर्फ दिन में उड़ान भरा करेगी। कितने बजे आएगी? वो सब मुझे आज पता चलेगा। अरे मर गए यार, अब सब कुछ एडजस्ट फिर से करना पड़ेगा। कौन से एडजस्टमेंट्स? नहीं वो जो मेरा काम है ना, तो तुम्हारे आने जाने की फ्लाइट के हिसाब से मुझे अपना काम एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सब कुछ वापस मैनेज करना पड़ेगा। तुम ला लो। हाँ नागेश्वर, नागेश। बोलो। मैं कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो आजकल ऑफिस में भी नहीं आता है। अरे मैं कितने दिन से उसको ढूंढ रही हूँ, ना मुझे मिलता है ना मुझे फोन करता है। ऑफिस में मैंने 3 मैसेज छोड़े, आज तक मुझे फोन नहीं किया। प्लीज बताइए ना मैं किधर है। मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं जा रहा हूँ। नागेश्वर जी कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। नागेश्वर जी आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं किधर है। अरे मुझे मालूम नहीं तो कैसे बताऊं मैं? झूठ झूठ झूठ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कैसे बता सकते हैं। बताइए आपके हाथ पे कितना वजन रखूं? बताइए। आप मेरा हाथ गरम कर सकती हैं? लेकिन अब जो काम मैं यहां पे कर रहा हूं उसे बाहर लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं बताना है, लेकिन अगर मुझे यही काम करना है तो मेरी पगार डबल करनी होगी। हम लोग टेबल पे बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? दिल्ली आ रही है क्या? किस कमीने ने उसको ये घर का एड्रेस बताया? मुझे क्या मालूम, मैंने उसको आते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बताया। अब जब नया घर मिलेगा तब तुम्हें ले जाऊंगा होटल रेस्टोरेंट सिनेमा फिनेमा जहां जाना है जाएंगे। गगन
क्या हुआ? बबन, 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 तुम भाभी जी को गाड़ी में छोड़ो। हेलो हेलो, हेलो, मैं क्या? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। तुम हाफ क्यों रहे हो? वो मैं दौड़ रहा था। नहीं, क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ रहा था मतलब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। अच्छा सुनो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरी फ्लाइट लेट हो चुकी है, मैं घर आ रही हूँ। तुम मत यहाँ, यहाँ मत आना। नहीं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। और तुम की? मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट पे। सुनो, तुमको आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। अरे टैक्सी गई तेल लेने, मैं आता हूँ ना पूछा एयरपोर्ट पे। बाय बाय बाय। कौन था? रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? करीबी रिश्तेदार। कौन करीबी रिश्तेदार? देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरे एक आधे बाप की तरह। क्या? सौतेला चाचा है मेरा। तुमने पूजा कहा? हाँ तो कहा ना पूजा। कौन थी वो? थी नहीं, वो था। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? वो मेरे पूजा चाचा है, जानते हो तुम? एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कहके बुलाते थे। एक दिन वो तहां आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते, सिर्फ पूजा रह गया। आज वो मेरे पूजा चाचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैम्बो, मैम्बो। उसको क्या बुलाती है? उसको कड़ी चावल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। विश्वास नहीं है? नहीं। मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता बस। ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी। तुमने कभी बताया नहीं? तुमने कभी पूछा मुझसे मेरी फैमिली में इंटरेस्ट लिया तुमने? ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये मेरी मम्मी, और ये नटखट मैं। हाउ स्वीट। माँ बाप भी पैदा कर लेता है। अच्छा सुनो, पूजा चाचा आ रहे तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनसे बात बात करनी है बिजनेस की है, और उनको मैं अगली फ्लाइट में छोड़ के वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम कपड़े पहन लो, ठंड लगेगी। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ ना। ध्यान से मेरी बात सुन, मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी है, अगर बाई चांस मुंबई फ्लाइट यहाँ पहुंच जाए तो उसको बैंकॉक फ्लाइट से मिलने मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुंबई फ्लाइट और बैंकॉक फ्लाइट टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा गए तो मैं मर जाऊंगा किसी भी हालत में। प्लीज मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है, बैंकॉक फ्लाइट घर में, तो मुंबई फ्लाइट लैंड होगी तो बैंकॉक फ्लाइट बाहर में जाए। किधर है, किधर है, किधर है? पूजा पूजा पूजा। मैक, तुम यहाँ? अरे तुम कहाँ जा रही थी? अरे वो तुम्हें टैक्सी रुकाने जा रही थी। ओ मैक, मुझे बहुत भूख लगी, चलो ना घर चलते हैं। घर में मैम्बो वो छुट्टी भी गया हुआ, एक काम करते हैं यहाँ एयरपोर्ट रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ चिकन ब्रेस्ट खाएंगे। ओके, कम ऑन कम ऑन। हेलो, इज इट अर्ली? ओके, मैं एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। राइट मैम, वो मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं जा रही हूँ। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.